Hey guys, welcome to Business Desk. आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि क्या आपको कॉलेज से ड्रॉप आउट लेना चाहिए क्या अपने स्टार्टअप या करियर पे फोकस करने के लिए। करियर यानी कि फ्रीलांसिंग में होगा, आपका कुछ अलग दिमाग होगा, आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हो, या बहुत सारे रीजंस होते हैं लोग कॉलेज से ड्रॉप आउट लेना चाह रहे हैं। यार आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ना रितेश अग्रवाल को देख के, इलॉन मस्क को देख के, मार्क जुकरबर्ग को देख के, ये सब लोग को देख के भाई कॉलेज ड्रॉप आउट लेने वाले। तो मैं अपने भाइयों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको ना कॉलेज ड्रॉप आउट लेने से पहले ये वीडियो सबको शेयर कर देना, ओके। तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे कि स्टार्टअप करने के लिए कॉलेज छोड़ना जरूरी है क्या, पैसा कमाने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए कॉलेज छोड़ना जरूरी है क्या। तो देखो इसमें अपना अपना व्यू होगा, लेकिन पहला मेरा वीडियो सुन लो, मेरा ये पूरा व्यू सुन लो। आप, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको वेरी एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा और लॉजिक के साथ आप अपना डिसीजन ले पाओगे। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स मूव टू माय स्क्रीन। तो इंट्रोडक्शन तो ले लो। हाय गाइस, मैं राम यादव, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्पीकर साइनिंग इन बिजनेस टेस्ट। सो गाइस वेलकम टू माय स्क्रीन, और यहां पर मैंने लिखा हुआ है ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम कॉलेज इज गुड और बैड। कॉलेज से मतलब कॉलेज छोड़ देना अच्छा है कि बुरा, वो हम लोग देखने वाले विद प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। आपका भाई एकदम प्रैक्टिकल बात करता है, लॉजिक के साथ बात करता है, तो टेंशन लेने का नहीं मतलब देने का, ओके। तो चलो बढ़ते हैं सीधा फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, वो है हाउ दिस थॉट केम इनटू योर माइंड। देखो कोई ना ये आपका थॉट है ना, ये डाला हुआ है, किसी ने आपको इन्फ्लुएंस किया हुआ है। किसने इन्फ्लुएंस किया है? सोशल मीडिया ने। रितेश अग्रवाल, मार्क जुकरबर्ग, ये सब कॉलेज ड्रॉप आउट है। मुकेश अंबानी कॉलेज ड्रॉप आउट है। अरे भाई उनके सर्कमस्टेंसेस अलग थे, वो अपने बिजनेस को संभालने के, उनका बना बनाया बिजनेस था, मुकेश अंबानी का बना बनाया बिजनेस था, वो उसको संभालने के लिए ड्रॉप आउट लिया। मार्क जुकरबर्ग ऑलरेडी कुछ अच्छा फोड़ रहा था कॉलेज में, स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट था। तो ऐसा ये सब कोई नहीं बताता है, बस ड्रॉप आउट है ये सबको बता देता है। और आज के टीनेज लाइफ ये सब चीजों से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। सो गाइस देखो, मैं एक्चुअली मैं दो स्टार्टअप भी कर चुका हूँ। हाँ फेल हुआ है वो बात अलग है, बट मैंने ट्राई किया है कॉलेज में रह के दो स्टार्टअप किए हुए, उसमें से एक फेल हुआ है और एक अभी एग्जीक्यूशन स्टेज पे है। तो मैं फेल करके आपको सिखाने आया हूँ तो कुछ प्रॉपर ही बात करूंगा ना, तो प्लीज मैं फोकस करना। और ठीक है, रीजन नंबर वन, यू आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट योर गोल। सपोज आप कुछ बहुत ही ज्यादा जीनियस बच्चा हो, यार आप बहुत ही ज्यादा अच्छे बच्चे हो, आपको कोडिंग में अच्छा कुछ आता हो, या तो आपको डिजाइनिंग में बहुत अच्छा आता हो, जिससे आप पैसा कमा रहे हो ये टाइम पे, मतलब हमारे एज पे, मतलब अराउंड 11 12th में आप पैसा कमा रहे हो, तो फिर आप सोच सकते हो कॉलेज को छोड़ने का। बट हाँ, आपका रिस्क रहने वाला है, आप कॉलेज छोड़ रहे हो, माँ बाप छोड़ेंगे नहीं तुमको। तो ड्रॉप आउट लेने से पहले आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना है, ओके। तो रीजन नंबर वन था कि यू आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट योर गोल्स। अगर आप अच्छे बच्चे हो, जैसे हम तो नहीं थे बच्चे, हम तो इतने डेडिकेटेड हो जाएंगे ना हमारी फटेगी, क्योंकि हम लोग 100% रिस्क नहीं ले सकते ना यार, थोड़ा सेफ साइड में अपना चलने वाला है। इंडियन पेरेंट्स को भी खुश रखो और अपने आप को भी खुश रखो। सो हम कर रहे हैं इंजीनियरिंग, ओके। सो अगर आप बहुत ही सीरियस हो तो आप छोड़ सकते हो। रीजन नंबर टू ये थॉट आने का कि मैं ड्रॉप लू कि नहीं, ड्रॉप आउट करूं कि नहीं कॉलेज को, वो है यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टॉप पीपल। अभी जो बताया कि स्टीव जॉब, मार्क जुकरबर्ग, प्रफुल्ल बिल्लोर, एमबीए चाय वाला, ये सब देख के ना आपका दिमाग कचरा भर गया। अरे भाई उनका सर्कमस्टेंसेस की वजह से उन लोगों ने छोड़ा था। आपको लाखों लोग कॉलेज छोड़ते हैं, उसमें से सक्सेसफुल कितने होते हैं बताओ भाई। देखो उसमें से लाखों लोगों का स्टोरी आपको नहीं सुनाया जाता है, आपको बस टॉप के स्टोरी सुनाए जाते हैं, जिससे आपका ब्रेन वॉश हो सके। आपको टीवी में वही दिखाया जाएगा जो आप देखना चाहते हो, समझे। एल्गोरिदम ही वैसा सेट हुआ है। अगर हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो हम लोग कोड भी वैसे ही करते हैं ताकि यूजर को जो चाहिए वो एल्गोरिदम एब्जॉर्ब कर ले और उसको वही दिखाए, ओके। सो रीजन नंबर थ्री पे बढ़ते हैं, वो है ये दिमाग में फाइनेंशियल कंडीशन। जानता हूँ इंडिया में बहुत लोगों के पास पैसों का क्रंच होता है, यहाँ तक कि मैं मुंबई में रहता हूँ और मुंबई में भी बहुत लोगों के पास पैसे का क्रंच होता है। यहाँ पर मुंबई में अकॉर्डिंग टू दैट सर्वे 60% ऑफ पीपल्स लिव्स इन स्लम्स, समझ लो वही झोपड़पट्टी फिर चॉल्स ये सब में। ये मैं खराब नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि यार अभी क्या करें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को फाइनेंस के, इसलिए तो मैं चैनल है ना यार फाइनेंशियल। देखो पैसा अगर चाहिए ना आपको तो अपने स्किल्स और माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, बात खत्म। लेकिन अगर आप वही चीज अपने सराउंडिंग्स को देते हो, आप जहां पर रहते हो उसी के साथ अगर आप वही चीज करते रहोगे तो आप नहीं बदलोगे। यार मेरा बात सुनो, बात समझो, आपको कुछ हटके करना पड़ेगा अपने सराउंडिंग से, तभी आप एलीट क्लास में आ सकते हो, अच्छे ग्रुप में आ सकते हो। तो देखो फाइनेंशियल कंडीशंस भी आपका एक रीजन हो सकता है कॉलेज ड्रॉप आउट का, कॉलेज ड्रॉप आउट के बारे में सोचने का, ओके। तो रीजन नंबर फोर पे बढ़ते हैं। रीजन नंबर फोर है पुअर ग्रेड्स एंड लो इंटरेस्ट। भाई साहब आजकल के लोगों को क्या है मालूम है, उनका ग्रेड खराब आता रहेगा तो लोग सोचेंगे चल भाई मेरा इसमें पढ़ाई में ग्रेड खराब आ रहा है, चल स्टार्टअप कर लेता हूँ, कुछ अच्छा ही फोड़ लूंगा। अरे भाई सुन जरा, अगर आपका ग्रेड्स पढ़ाई में खराब आ रहा है तो उसका क्या गारंटी कि आप स्टार्टअप में मचाने वाले हो। और अकॉर्डिंग टू इंडियन सर्वे, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे लोग सर्वे करते हैं, वो क्या 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं फर्स्ट 3 इयर्स में। क्या गारंटी है आपका सक्सेसफुल होगा बेटा,
तो ये बात पे जरा ध्यान देना, सोचना। चलो बढ़ते रीजन नंबर फाइव पे। रीजन नंबर फाइव वो है डीमोटिवेटिंग एनवायरनमेंट। आपको कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रहा है पढ़ने से, रट्टा मार के पास होने से, ये सबसे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो आपका एक डीमोटिवेटिंग एनवायरनमेंट है और उसको बदलने के लिए आप सीधा स्टार्टअप करने जा रहे हो, वो भी ये उम्र में। अरे भाई, ये उम्र में स्टार्टअप करो गुड है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, करो, मैं बोल रहा हूँ, बट थोड़ा आगे का वीडियो भी देख लो, आगे का कॉन्टेंट भी है, साइड बाय साइड करो तो ये ज्यादा बेहतर होगा। ओके चलो, अब आपके सामने ना मैं लॉजिकल डिफरेंस बिटवीन रहता है ना हम लोग स्कूल में करते हैं, वो रखता हूँ, ठीक है। ये है गुड साइड और बैड साइड, गुड साइड और बैड साइड। कॉलेज ड्रॉप आउट करने की अच्छी बात है और कुछ बुरी बात है, ये दोनों मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसके बाद में आपको जो सही लगे वो करना। ओके, देखो गुड साइड क्या है, इनफ टाइम फॉर योर स्टार्टअप, आपके लिए स्टार्टअप के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाएगा, आप सेल्फ लर्निंग पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, आप खुद से सीख सकते हो। बट हाँ, अगर आप अपने आप से ट्रुथफुल हो तो ही, ट्रुथफुल यानी कि आप अपने आप से ईमानदार हो तो ही, वरना हम जैसे लोग हैं ना भाई, पढ़ाई से बचने के लिए अगर ये स्टार्टअप वगैरह करने लगेंगे ना तो फंस जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट किया नहीं है, और स्टार्टअप में बहुत 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए रहता है, वो भी 20-20 घंटे चाहिए रहता है यार, क्योंकि स्टार्टअप इज नॉट 9 to 5 जॉब और 9 to 5 कॉलेज, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमेशा आपको लर्निंग करना पड़ेगा, फिर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा खुद से, तो यही काम होता है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स का। ओके, सो कॉलेज अगर नहीं जाते हो तो मनी सेव होगा आपका, ये भी मैंने लिखा हुआ है, फ्रीडम टू डू एनीथिंग ऑफ योर ओन। तो ये सब था गुड साइड। अब बैड साइड सुनो, बैड साइड ये है कि नो डिग्री वैलिडेशन। आजकल की दुनिया में अगर आप शादी भी करने जाते हो ना, फन फैक्ट है, अगर आप शादी करने जाते हो और आप एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो वो टाइम पे, भले कम कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, तो आपको ना इज्जत ही नहीं मिलेगी भाई। भाई अगर डिग्री लेगा तो कम से कम इज्जत तो मिलेगा तुमको, जैसा कि जैसे आई एम एन इंजीनियर, तो अगर मैं इंजीनियर भी हूँ और कुछ नहीं फाड़ रहा हूँ ना, तो भाई ये बेटा इंजीनियर है तो डिग्री मिल रहा है ना, तो डिग्री इज लाइक सर्टिफिकेट दैट हाँ यू हैव डन समथिंग ग्रेट। तो ये इंडिया की मेंटेलिटी है, तो अभी वही करना पड़ेगा आपको, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इंडिया की मेंटेलिटी बदलना है, अरे भाई बदलेंगे, अपने जनरेशन वाले बदलेंगे, हम आगे के जनरेशन को बदलेंगे, लेकिन अभी जो पिछले का जनरेशन है उसको क्या करेगा तू, कि कैसे बदलेगा, नहीं बदल पाएगा, उनका माइंडसेट है अभी कि डिग्री कर ले सेफ रहेगा। तो चलो यार, डिग्री भी वो एक हिसाब से सही है कि हाँ भाई तुम लाइफ में कुछ तो भाई एक पेपर रखो कि हाँ भाई तुमने ये तो किया है, मतलब इसके काबिल तो हो, एक सर्टिफिकेट हो जाता है। और स्टार्टअप में ना ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है कि आप ये कर पाते हो कि नहीं, आपको बस करते रहना है जब तक सक्सेस ना मिल जाए, और यहाँ पे डिग्री का सर्टिफिकेट होता है, बाकी सक्सेस मिले या ना मिले उनका काम नहीं है। ओके, सो डिग्री सर्टिफिकेट अगर मेरे हिसाब से तो लेना ही चाहिए आपको। फिर आता है नो सिक्योरिटी बेस। अभी जब आप कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दोगे तो आपको कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगा यार, आप कमाओगे क्या, वही 10-20 हजार 15 हजार के नौकरी में लगना पड़ेगा आपको अगर आपका स्टार्टअप फेल हुआ तो। लेकिन अगर आप डिग्री करके स्टार्टअप करते हो तो अगर स्टार्टअप में फेल भी हो जाओ तो भी आपका डिग्री तो रहेगा ना, कि भाई देख बेटा मैं इंजीनियर हूँ, आई कैन अफोर्ड अ 5 to 6 lakh जॉब, तो ये मैं कर सकता हूँ। अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और अगर मैं कुछ प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा हूँ और उसमें फेल भी हो गया, तो भाई मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री तो है, मैं कमा सकता हूँ ना, एक सिक्योरिटी बेस्ड हो जाता है आपके लाइफ के लिए, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। बैड साइड ऑफ कॉलेज ड्रॉप आउट, अगर कॉलेज ड्रॉप आउट करते हो तो आपको ये नहीं मिलेगा, नो यूनिवर्सिटी लाइफ एक्सपीरियंस, यूनिवर्सिटी का लाइफ एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा आपको, कि कॉलेज कैसा होता है, कॉलेज क्या फंक्शंस कैसा होता है, कॉलेज वर्किंग कैसे करते हैं, कॉलेज के दोस्तों क्या होते हैं, कॉलेज के दोस्त लोग से नेटवर्क करते हैं, फिर वो भी देखना कि कॉलेज के दोस्त कहाँ कहाँ अलग अलग कर रहे हैं, कॉलेज के दोस्त का एनवायरनमेंट, वो असाइनमेंट्स करना, ट्यूटोरियल करना, वो एग्जाम देना, वो एग्जाम के छोटे छोटे मार्क्स से पास होना, ये सारे चीज, ये सब बहुत फन है यार लाइफ का, आप लाइफ का एक मेजर पार्ट मिस कर दोगे। और देखो स्टार्टअप बिजनेस ये सब लाइफ में होता रहेगा, लेकिन जो कॉलेज का है ना अर्ली एज, वो वापस नहीं आने वाला है। तो प्लीज यार, मैं तो कहूंगा कि कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर करो, अपने आप को सीखो और सीखो ना यार, स्टार्टअप में सेल्फ लर्निंग की बहुत जरूरत होती है। तो आप स्टार्टअप करने से पहले आप कॉलेज करो, ताकि आप बहुत सब कुछ सीख सकते हो। ओके, तो ये मेरा फोकस रहेगा कि आपको कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं माय टिप्स और सजेशन। सो टिप नंबर 1 है, वो है आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द गारंटी दैट यू विल नॉट स्विच योर पैशन। देखो आपने कॉलेज छोड़ दिया, ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है, बहुत ही बड़ा डिसीजन है। जहां तक मैं जानता हूँ ना, इंडिया के लोग जो कॉलेज क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने नहीं होता है, पढ़ने का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, ये सब करने की वजह से लोग कॉलेज छोड़ते हैं। तो क्या गारंटी कि आप स्टार्टअप नहीं छोड़ोगे, आप एक स्टार्टअप खोलोगे बोर हो जाओगे, दूसरा खोलोगे उसमें बोर हो जाओगे, तो भाई ऐसा बोर का गेम नहीं चल रहा है आपके लाइफ का, कि इसमें बोर हो गया वो चालू करो, ये बोर हो गया तो ये चालू करो, सो दैट इज नॉट अ गेम, यू आर प्लेइंग विद योर लाइफ, ऐसा नहीं कर सकता ना तू। तो अगर आप क्या गारंटी कि आप एक ही स्टार्टअप से एकदम छिपके रहोगे, जी जान लगा के काम करोगे, आपको लगेगा कि अरे इसका तो मार्केट ही नहीं है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे इसका तो मार्केट ही नहीं है, ये सब प्रोडक्ट मेरे कस्टमर्स मेरे से क्यों ले, ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स बैठे, तो ये सब बहुत सारा चीजें होने वाले हैं। तो अगर आप फुल्ली डेडिकेटेड या कमिटेड नहीं हो ना अपने स्टार्टअप आइडिया से लेके, तो प्लीज यार कॉलेज ड्रॉप आउट इज नॉट एन ऑप्शन। ओके, सो सेकंड टिप पे बढ़ते हैं, वो अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट प्रूफ योरसेल्फ विद साइड बाय साइड कॉलेज। हाँ देखो, ये सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको इतना ही चुले ना स्टार्टअप करने का, एकदम बेस्ट स्टार्टअप करने का, मल्टी मिलियनर बिलियनर बनने का,
तो प्लीज यार कॉलेज चलने दो और साइड बाय साइड कुछ ऐसा कर दो कि आप अपने आप को प्रूव कर सको अपने पेरेंट्स को कि देखो यार कॉलेज चलते चलते मैं ये बना सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो देखो अगर मैं कॉलेज छोड़ता हूँ तो फिर मैं कितना अच्छा बिल्ड कर पाऊंगा। तो अपने आप को प्रूव करो पहला, ये तो जरूरी है भाई। अदरवाइज पेरेंट्स जो कि हमारे फर्स्ट इन्वेस्टर होते हैं उनको ट्रस्ट नहीं आने वाला आप पे। ओके, तो थर्ड टिप है वो है थिंक फॉर अ मंथ बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन, कंसल्ट पीपल। आप बड़े लोगों से बात करो, आप उनका थोड़ा डिसीजन को थोड़ा रीवैल्यूएट करो, सोचो। आप अपने आप को स्ट्रिक्ट मत कर लो, कन्फाइंड मत कर लो कि हाँ भाई जो भी हो सब मैं ही हूँ। आप थोड़ा कन्फाइंड मत कर लो, लोगों से पूछो, लोगों से बात करो। आप एक महीने तक सोचो आपके वो डिसीजन को, ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम अ कॉलेज। ओके, तो बढ़ते चौथे टिप के ऊपर, वो है यू मस्ट हैव अ सॉलिड प्लान। अगर आप ड्रॉप आउट लेते हो कॉलेज से तो आपके पास सॉलिड प्लान है कि नहीं, आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, समझे। तो प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं 100 करोड़ का टर्नओवर ऐसा ऐसा अचीव कर लूंगा। अरे भाई करेगा, वेरी गुड, बट प्रैक्टिकल स्टेप है क्या? तूने मार्केट में जाके एग्जीक्यूट करके देखा है क्या? नहीं ना। तो प्लीज पहला मार्केट में जा, थोड़ा मदद चेक। कोई कस्टमर लेने वाला रहेगा तो पे करेगा, कस्टमर नहीं लेने वाला रहेगा तो आप फेस कैसे करोगे? तो जाओ मार्केट में, पता चलेगा आपको, फिर उसके बाद में एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना। सो नाउ द फाइनल एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टिप इज वो कन्विंस योर पेरेंट्स टू सपोर्ट यू। सो आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हैं। देखो अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे तो इन्वेस्टर को आप क्या कन्विंस कर पाओगे फंडिंग के लिए आगे चल के? तो भाई साहब आपके फर्स्ट इन्वेस्टर होते हैं आपके पेरेंट्स, सो उनको कन्विंस करना सीखो। उनको कन्विंस करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए, लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए और उनको सेफगार्ड महसूस करवाओ। वो भी अपने वो आपके लिए अच्छा सोच रहे, वो आपके लिए अच्छा सोच रहे हो, क्या सोच रहे कि मेरा बेटा अगर पढ़ने के लेगा तो एक सेफ साइड पे रहेगा, उसके बाद में जो करना है करे ना, लेकिन एक सेफ साइड में मिल जाएगा। और आपको क्या लग रहा है कि मैं आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो आई वुड लाइक टू रश, तो ये आपका सोच है। तो आपको अपने पेरेंट्स को लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप अलग उठ के जाओगे ना तो अगर फेल हो गए तो क्या करोगे, आपका बेस ही हिल गया। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और यहाँ पर मैं अच्छा करता हूँ कि आपने ये जो कंप्लीट एनालिसिस हम लोग ने जो अभी किया है उससे काफी कुछ सीखा होगा और आपको प्रैक्टिकल चीजों की वजह से प्रैक्टिकल पैरामीटर्स मिल गए होंगे कि मैं कॉलेज को ड्रॉप आउट करूं या नहीं करूं। सो ये बहुत ही बड़ा रीजन बनते जा रहा था इंडिया का, तो जो कि मैंने अभी एड्रेस किया है। तो मैं सिर्फ राम यादव, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई प्रॉब्लम के साथ। तो ऐसे ही अगर आपको बिजनेस और लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए तो मेरा चैनल है, और अगर आपको कुछ सजेशन है मेरे लिए तो मोस्ट वेलकम। हाँ ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। माय सेल्फ राम यादव, साइनिंग ऑफ बिजनेस टेस्ट।